मैं मीडिया का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जो मैंने इनको बुलाया वो मेरे घर तक पहुँचे पहुँचे मैं वजीर अला बलुचस्तान एफ आई ए नैब डिप्टी कमिश्नर से शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त दे और अल्लाह ताला उनके हौसले अफजाई करे मैं एक गरीब इंसान हूँ मैं अपने बच्चों के लिए मैं अपना प्रदेश सारी जिंदगी में मैंने प्रदेश काटा है दोआ कतर में सेवेंटी टू से ले कर दो हज़ार दस तक मैं उस, उस मुल्क में रहा हूँ मैं अब जब मेरे बच्चे उस वक़्त नहीं थे अल्लाह ने मेरी औलाद दी बच्चे उधर मैंने पाले पढ़ाए जब मैं उधर रिटायर हो गया हूँ मैं अपने मुल्क में आया हूँ एक एक मकान मैंने ख़रीदा वो नाइन्टी थ्री का वो जिसके पैसे मैंने अदा कर दिए थे तो बाकी उसका मसला रह गया था इंतकाल का वो इंतकाल काल कर, कर करते करते आज दो साल हो गए हैं वो मुझे इंतकाल नहीं दे रहा है दूसरा बल्कि उस अभी वो दूसरा एक आदमी आज तीन चार दिन से एक ही आया है वो हमारे घर में आके दरवाज़ा मारा वो आके बोलता है मकान खाली करो मगर ये मकान मेरा है अभी बताएं मैं किसके पास जाऊं किस के किसके किस आगे जाकर फरियाद करूं अल्लाह का वास्ता है आपके आगे आ मैं, मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरी मदद करें मैं गरीब इंसान हूं मेरे पास जो भी था आज मैं रिटायर रिटायर भी हूं मगर पैसा है एक नहीं है आपको पता है अरब अरब का केवल जब आदमी उधर का कारोबार से फारग हो जाता है उसको रिटायर करते हैं को तो पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं होती ना मेरे पर कोई कारोबार का जरिए है ना कुछ है तो मैं अभी मेरे पास सारे कागजात पूरे के पूरे कागजात मौजूद हैं मैं अपने आप अगर मुझे हुक्म करेंगे मैं आ, आपके पास लाख सारे कागजात पेश करता हूँ इसमें कोई मेरी झूठ और गलती है आप बिल्कुल उसको सजा मत दें मुझे दें मैं हाजिर हूँ क्योंकि वो उसम आदमी मेरे घर में मेरी इतनी बेजती हुई है कि पूरे महल्ले वालों ने तमाशा देखा है उसने आके मुझे बोस कल मेरे बच्चे अल्लाह ना करे कल कर कर कुछ उन बच्चों को कुछ हो गया उसका जमा कौन है मेरी उम्र अभी कम से कम सत्तर साल की उम्र हूँ मैं सेवेंटी टू में गया था अठारह साल की उम्र में सारा प्रदेस काटा है सारी उम्र बाकी मरान खान साहब ने ये तो ऐलान किया था कि जो फ़ारन में लोग काम करते हैं वो मेरे ख़ास बंदे में उनका खास ख्याल करता हूँ आप मैं आपसे अपील करता हूँ कि मेरे लिए कोई कोशिश करें खुदा के लिए मैं मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है एक दिन है या दस दिन है दो है मेरी उम्र भी इतनी है मेरे बच्चे अभी पढ़ने वाले हैं मैं अभी कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है मैं किसके पास आऊँ मैं आखिरकार मैं नीबिया वालों को मीडिया वालों को मैं कोशिश की मैं इनको लाया हूँ कि मेरी खबर आप तक पहुँच जाए मैं ऐसा तो आपको कोई मिल नहीं सकता है ना आपके पास आ, आ सकता है आप बड़े भी लोगों के पास हमें कैसे पहुँचूँ बताएँ मैं वजीर अजम इमरान ख़ान के पास नायब तो, जनरल बाजवा के पास भी जाना चाहता था मगर उधर पहुँचने तक कोई तरीका हो मेरे पास मैं वहाँ भी जाऊँ जाऊँगा मैं जाऊँगा तो मेरे आए मसला हल करें आपके भी औलादें हैं और बच्चे हैं अल्लाह के वास्ते और रसूल के वास्ते आप मेरी मदद कर सकते हैं वो करें ताकि मुझे इस ालम आदमी से बचा मुझे ना रात को चैन है ना दिन को चैन है हर वक्त घर में रहता हूँ इसी डर के माफ़ कोई पता नहीं ऐसे इंसान जो है ालम बन जाए वो किस तरीके से करके अंदर आकर दाखिल होंगे मैं चौबीस घंटे इस फिक्र में हूँ खुदा आपको भी और आपके औलाद को भी आपके मदद करें आप मेरे लिए कुछ हल निकालें इस, इस, इस मैं अभी एफ आई आर नहीं काट सकता हूँ ना कोई सुनता है ना उस चक्कर लगा के मैं वापस आ जाता हूँ आप बताओ मैं आप जो मुझे मेरी मदद करें खुदा कर